आदमपुर थाना क्षेत्र के कोयला बाजार इलाके में मंगलवार को उस समय हड़कंप मच गया जब एक दुकान में आग लग गई। दो मंजिला मकान में नीचे बनी दुकान में धमाके के बाद आग लगने से जब लोगों को यह पता चला कि यहां अवैध घरेलू गैस रिफिलिंग का काम होता है तो लोग अनहोनी से घबरा गए। वहीं सूचना पर पहुंची आदमपुर पुलिस और फायर सर्विस ने आग पर काबू पाया तो अंदर दो शव झुलसे हुए मिले। शवों को पुलिस ने मोर्चरी भेजा है। FSO फायर स्टेशन ने बताया कि इस दुकान में गैस सिलेंडर रिफिलिंग और बेचने का काम होता है। यहाँ विस्फोट के बाद आग लगी थी। इसमें दो लोग जो काम कर रहे थे उनकी मौत दम घुटने और जलने से हो गई। धमाके के साथ लगी आग मिले दो शव के इस संबंध में कोतवाली फायर स्टेशन के FSO सतीश कुमार चिंकारा ने बताया कि कोयला बाजार में एक दुकान में आग लगी थी। यहाँ गैस सिलेंडर बेचने और रिफिलिंग का काम होता था। धमाके के बाद यहां आग लगी थी। खेतगंज से भी फायर ऑफिसर आए हैं। यहां आग पर बहुत कम समय में काबू पा लिया गया पर यहां धुआं बहुत ज्यादा भरा हुआ था। हम जब अंदर गए तो अंदर दो बच्चे मृत अवस्था में मिले हैं। उनकी मौत दम घुटने और जलने से हुई है। उनके शव को बाहर निकालकर मंडलीय चिकित्सालय भिजवाया गया है। फिलहाल मौके पर आदमपुर पुलिस मौजूद है और आग लगने के कारणों का पता लगा रही है। फायर ऑफिसर के अनुसार रिफिलिंग के दौरान आग लगने से हादसा होना प्रतीत हो रहा है। फिलहाल हम जांच करवा रहे हैं। वहीं इस दौरान मोहल्ले में हड़कंप की स्थिति रही। आग लगी थी और गैस सिलेंडर बेचने का और रिफिलिंग का काम करते हैं लोग, उसमें भी स्पोर्ट हुआ। जैसे भी स्पोर्ट हुआ सूचना मिली हमको तो तुरंत ही गाड़ी लेकर मौके पहुंचे हम। दो चेतगंज से भी फायर ऑफिसर आए और मैं कोतवाली से आया। उसके बाद आग बुझाने की प्रक्रिया शुरू करी, आग बुझा दी गई। तो फिर आग बुझाने में ज़्यादा समय नहीं लगा, लेकिन यह है कि धुआं बहुत ज़्यादा भर गया था। उसमें जो दो आदमी पर दो बच्चे काम कर रहे थे वे दोनों मर्त हो गए, क्योंकि मैंने ही डेड बॉडी निकलवाई है ऊपर चढ़ कर। खुद मैं ही लेकर आया हूँ ऊपर से लेकर नीचे तक। तो ये धुएं से, घुटने से और जलने से दो बच्चों की मृत्यु हो गई।